ग्वांगझू में जिनपिंग सरकार के खिलाफ भड़के प्रदर्शनकारी, दिखाइए जरा विजुअल्स ब्रेकिंग के साथ। ग्वांगझू में जारी पाबंदियों के बाद भड़का लोगों का गुस्सा, ये देखिए एम्बुलेंस अप करिए। नाराज लोगों ने पुलिस फोर्स पर जमकर पत्थरबाजी की है, ये देखिए इनको कवर लेना पड़ रहा है। चीनी पुलिस ने लोगों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। ग्वांगझू में फिर से हालात तब्दील हो चुके हैं, बहुत खतरनाक। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, बीबीसी ने तो इसको लेकर बहुत एक्सटेंसिव रिपोर्टिंग की है। ये देखिए आप यहां पर, ये चीन है, सही देख रहे हैं आप, जहां पर कल तक लोगों के वीडियोस डिलीट किए जा रहे थे। आइए इसके बाद अगली बड़ी खबर पर। शंघाई में जिनपिंग के खिलाफ प्रदर्शन की लेटेस्ट तस्वीरें, दिखाइए जरा विजुअल्स। सबवे स्टेशन के पास प्रोटेस्टर्स और प्रदर्शनकारियों में झड़प, ये देखिए आप किंग पूक के सबवे स्टेशन के पास पहुंचे सैकड़ों प्रदर्शनकारी। प्रदर्शनकारियों ने बंद सबवे स्टेशन खुलवाने के लिए, ये देखिए आप अपनी ताकत दिखाई। इसके बाद अगली खबर। ऐसा नहीं है कि चीन से ये तस्वीरें सिर्फ आज आई, पिछले कई दिनों से प्रदर्शन और चीनी पुलिस की क्रूरता की तस्वीरें वायरल हैं। जिनपिंग की तानाशाही के खिलाफ शुरू हुए इस आंदोलन को जबरदस्त समर्थन मिल रहा। ये चीन की राजधानी बीजिंग की तस्वीरें हैं, उस बीजिंग की तस्वीर जहां से चीन के सुप्रीम लीडर शी जिनपिंग की सत्ता चलती है। लेकिन जब लोगों का गुस्सा सीमा पार कर गया तो सड़कों पर जिनपिंग गद्दी छोड़ो के नारे लगने लगे। जिनपिंग की नीतियों से नाराज लोग बीजिंग के सितोंग ब्रिज पर पहुंच गए। हाथों में ब्लैंक पेपर लिए लोग जिनपिंग के खिलाफ आवाज बुलंद करने लगे। जिस वक्त लोग सितोंग ब्रिज पर नारे लगा रहे थे, ब्रिज के नीचे से गुजर रहे लोगों ने कार के हॉर्न बजाकर अपना समर्थन जाहिर किया। जिनपिंग के खिलाफ ब्लैंक पेपर्स रेवोल्यूशन की ऐसी तस्वीरें पूरे चीन से आ रही। चीन के शहरों में हो रहे प्रदर्शनों ने जिनपिंग सरकार की रातों की नींद उड़ा दी, इसलिए चीन की पुलिस रात के वक्त भी सड़कों पर पहरा दे रही है। तस्वीरें ग्वांगझू शहर की हैं, जहां आधी रात को पुलिस पीपीई किट पहनकर पेट्रोलिंग कर रही है। आंदोलन से डरी जिनपिंग सत्ता सख्ती पर उतारू। चीन के होंगझोऊ में पुलिस ने प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर बर्बर कार्रवाई की। प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करके जेल में भेजा जा रहा है। इस तस्वीर को देखिए, प्रदर्शनकारियों के हुजूम को रोकने के लिए भारी पुलिस फोर्स लगाई गई है। ये तस्वीरें बाहर न आ जाएं, इसलिए तानाशाही सत्ता मीडिया और सोशल मीडिया पर धकेल कस रही है। ये तस्वीर शंघाई की है। पुलिस मेट्रो ट्रेन में बैठे लोगों के मोबाइल फोन चेक कर रही है। इस तलाशी का मकसद क्या है, इसे भी समझ लीजिए। सीसीपी पुलिस को लोगों के मोबाइल फोन चेक करने के आदेश मिले हैं, जिससे लोग सोशल मीडिया के जरिए प्रोटेस्ट की तस्वीर सर्कुलेट ना कर सके। फोन से ऐसे ऐप्स हटवाए जा रहे हैं जिन्हें चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने बैन कर रखा है। चीन में ट्विटर, यूट्यूब, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे ऐप पर बैन है। लेकिन प्रदर्शनों से डरी सरकार ने टिकटॉक, पोटैटो, शैडो रॉकेट और वीपीएन जैसे ऐप्स भी हटवाने का ऑर्डर दिया है। हैरान करने वाली तस्वीरें शेंझेन सिटी के एक बड़े मॉल से भी आई हैं। जीरो कोविड पॉलिसी के तहत मॉल के अंदर हर मीटर पर पुलिस तैनात की गई है। सड़क से लेकर बाजार तक, रिहायशी इलाकों से लेकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक, चीन की पुलिस ने बड़े लेवल पर तलाशी अभियान चला रखा है। चीन में कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ इस तरह के प्रोटेस्ट 33 साल बाद हुए हैं। 1989 में तियानमेन स्क्वायर पर स्टूडेंट्स ने इसी तरह का आंदोलन किया। प्रदर्शन की ऐसी तस्वीरें आने के बाद तियानमेन आंदोलन के नेता रहे वैंग डैन ने जिनपिंग सरकार को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। ध्यान से देखिए, शी के खिलाफ जनता, तियानमेन जैसी क्रांति, यह है वो शख्स। जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ प्रदर्शन से जा सकती है जिनपिंग की कुर्सी, यह इनकी भविष्यवाणी है। तियानमेन वाले प्रदर्शनकारियों पर थोड़ा सा जूम इन कर सकते हैं हम। प्रदर्शनकारियों पर मिलिट्री एक्शन से जिनपिंग की सत्ता जाना तय है। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सेना के इस्तेमाल से टकराव बढ़ेगा।
वैंग डैन नेता, तियानमेन आंदोलन। फिर हिंसक दमनकारी नीतियों से जल्द होगा जिनपिंग सत्ता का पतन। 1989 जैसी हिंसक नीतियां अपनाती है तो जिनपिंग की सत्ता जाएगी। सीसीपी की नीतियों ने तियानमेन स्क्वायर की घटना को ताजा कर दिया है। वैंग डैन जो है उन्होंने ये कहा। इस सब के बीच में 1989 में तियानमेन चौक पर सीसीपी ने प्रदर्शनकारी छात्रों को टैंक से रौंद दिया था। तियानमेन स्क्वायर कांड में 3 से 4 हजार छात्र मारे गए।